हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। सो आज एक छोटा सा सेशन जिसमें अपन देखेंगे कि जो एनसीईआरटी में वर्गीकृत संवर्ग अपने को दे रखे हैं, 7 प्रकार के, जाति से लेकर जगत तक, उनको किस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। याद रखने की ट्रिक मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, सिंपल सा आप लोग नोट कर लीजिएगा। ये इंग्लिश में यहाँ पर शब्द लिखे हैं, इसी से ट्रिक है अपनी। हिंदी में आपको आना चाहिए कि इन शब्दों को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, ठीक है। So, जैसे किंगडम को जगत बोलते हैं, फाइलम को संघ बोलते हैं, क्लास, वर्ग, ऑर्डर, गण, फैमिली, कुल, जीनस, वंश और स्पेशीज, जाति। तो याद रखने की सिंपल सी ट्रिक होती है कि फिजिक्स की क्लास चल रही होती है स्कूल में, और वहां एक ऑर्डर आता है कि आपको राजा बनना है तो आपके फैमिली के जो जीन होते हैं वो अच्छे होने चाहिए, स्पेशल होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ किंग बनने के लिए, किंगडम की अगर अपन बात करें तो सिंपल सा किंग यहाँ पर आएगा, ठीक है। बनने के लिए जो अपन बात कर रहे हैं, किंग बनने के लिए PHY जो यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब आपके पास फिजिक्स की क्लास यहाँ चल रही होती है, फिजिक्स की CLASS, मतलब ये क्लास ही है। सिंपल सा, क्लास में आपके पास ऑर्डर आया तो ऑर्डर से ऑर्डर ही आपके पास है वापस। की फैमिली, मतलब जो आपकी फैमिली है उसके जो जीन है, आपने जीनस जो है वंश जिसे अपन बोलते हैं, इसका जो शब्द लिया है वो कहां से लिया है, जीन। आपने सुना होगा वंशानुगति अनुवांशिकी वगैरह में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। जीन कैसे होने चाहिए, स्पेशल होने चाहिए, तो स्पीशीज जो है वहां से अपन ने शब्द लिया है स्पेशल। तो ट्रिक क्या हुई अपने पास, किंग आप बीच में जाओ तो लिख सकते हो किंग, यहाँ बीच में आप लोग लिख देंगे बनने के लिए, किंग बनने के लिए, किंग बनने के लिए फिजिक्स की क्लास में ऑर्डर आया कि फैमिली के जीन स्पेशल होने चाहिए, होने चाहिए। ये आज की ट्रिक है, सिंपल सी, एक दो बार पढ़िए, याद यहां से हो जाएगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।